जाते हुए तो ठीक नहीं लग रहा है, माउंट एवरेस्ट दिखता है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज गाइस एकदम सुबह सुबह उठ गए क्योंकि आज हम लोग को टाइगर हिल जाना है। और भैया हम लोग को फ़ोन किए थे, मतलब कि 3 बजे फ़ोन कर दिए थे, तो इसीलिए हम हड़बड़ी में उठ गए। और अभी हम लोग यहाँ मेन रोड में खड़े हैं और हम लोग को बस खाली आज एक लास्ट जगह विजिट करना है गाइस, और वो जगह का नाम है टाइगर हिल। जो पूरा नींद ख़राब हो गया, हम तो बाथरूम गए थे, मतलब राहुल बोला कि जा जल्दी फेस वेस धो, तो हम बाथरूम घुसे तो साला बैठ के सो है, मतलब नींद आ जा रहा था। हम लोग पहुंच गए हैं टाइगर हिल और यहाँ पर अभी हम लोग गाड़ी से उतार दिया, लेकिन आगे एकदम पूरा रास्ता मतलब जाम है, तो इसीलिए हम लोग को आधा रास्ता में उतार दिया। तो अब इधर से आगे जाने का जगह देख रहे हैं, तो यहाँ पर जगह ही नहीं है, पूरा एकदम गाड़ी सबसे पूरा एकदम रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है, एकदम गाड़ी सबसे देख ली। टाइम से तो पहुँच पाए नहीं टाइगर हिल, टाइगर हिल का पूरा टॉप तक तो नहीं पहुँचे हैं, आधा दूर पहुँचे हैं, क्योंकि यहाँ से दूर है, मतलब पैदल चलेंगे तो आधा घंटा में पहुँच जाएंगे, तो बहुत बहुत ज़्यादा मतलब जाम है, तो इसीलिए गाड़ी तो इधर आ पाएगा नहीं, इसीलिए हम लोग सोचे कि चलो पैदल ही चलते हैं जितना दूर चल पा रहे। गाइस इधर बहुत मस्त व्यू है, वो फाइनली गाइस हम लोग थोड़ा सा ऊपर तो आ गए, धूप में शांति लग रहा है गाइस, एकदम ताज़ा धूप आ रहा है यहाँ से, एकदम ताज़ा धूप गाइस, एकदम बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्या व्यू है मेरा तो देख के एकदम खड़ा हो गया, खुश हो गया, खड़ा हो गया एकदम। और यहाँ से टाइगर हिल मतलब ऊपर है, थोड़ा नहीं बहुत है ऊपर है, तो इसीलिए उतना दूर हम लोग को जाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब कि वो भैया बोलो ना कि लेट हो जाएगा, और उधर साइड ना गाइस मतलब जो माउंटेन वाउंटेन सब है ना, वो जो गाइस माउंटेन वाउंटेन सब दिख रहा ना गाइस, वो सब पूरा एकदम बर्फ में ढका हुआ है, एकदम बर्फ में पूरा ढका हुआ है, माउंटेन वाउंटेन सब इधर पूरा बर्फ में पूरा ढका हुआ है, तो इसीलिए उतना दूर हम लोग इसीलिए नहीं जा रहे ना, क्योंकि फिर बाद में लेट हो जाएगा हम लोग का, फिर और एक दो जगह मतलब वो भैया बोले कि एक्स्ट्रा तुम लोग को घुमा देंगे, तो इसीलिए हम लोग मतलब जल्दी करने का सोच रहे ताकि जल्दी हो जाए, लेकिन मज़ा बहुत आया। आई लव यू दार्जिलिंग, आई लव दार्जिलिंग। अभी हम आप लोगों को एक बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ हमको अभी दिखाई दिया, बहुत मस्त चीज़ अभी हमको दिखाई दिया, मतलब ना कि पहाड़ ना एकदम पूरा मतलब जो पहाड़ सब है ना पूरा बर्फ से एकदम पूरा ढका हुआ है, बर्फ से ना पूरा ढका हुआ है, मतलब थोड़ा दूर में है, हमको यहाँ से दिख रहा, तो क्या आप लोगों को दिखाते हैं, पहाड़ से पूरा बर्फ से ढका हुआ है, वाला पहाड़ से पूरा बर्फ से ढका हुआ है, इधर से क्या व्यू है, एकदम मस्त पूरा बादल सब मतलब कि पूरा नीचे नीचे है, हम लोग अब बादल से ऊपर है, और देखिए पूरा इधर पूरा बादल है, पूरा बादल है हम लोग अब बादल से ऊपर है, ये जो दिख रहा ना इसे पूरा पहाड़ है पूरा उधर भी पूरा एकदम चारों ओर एकदम पहाड़ है, हम लोग एकदम पहाड़ के ऊपर है, ओ माई गॉड। रास्ता में क्या चलेंगे, रास्ता में तो पूरा पानी भरा हुआ है, एकदम चैप चैप कर रहा है पानी, कल शायद से इधर बहुत कस के बारिश हुआ, मतलब इधर का वेदर का कोई ठिकाना नहीं, मतलब कोई भी मतलब कभी भी इधर मतलब वेदर चेंज हो सकता है, कभी भी बारिश हो सकता है, अरे गाइस मतलब सिनेमेटिक वीडियो बना रहे थे, फिर वहां पर नीचे एकदम नीचे वहां जा रहे थे ना, तो मतलब ऐसे वाला घास सब है ना, ऐसे वाला घास सब तो ना मतलब पूरा ना प्लेन है घास सब, ठीक है, तो इसीलिए मतलब हम चल चल के जा रहे हैं, और राहुल भी हाँ चल ना चल चल आगे चल आगे चल आगे चल, बस उसी में यार ज्यादा कस के तो लगा नहीं हमको, बस खाली मेरा स्वेटर फिर से गंदा हो गया और पैंट भी फिर से गंदा हो गया, गाइस मेरा पूरा जूता भींग गया, ये देखिए अब हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, पता नहीं यहाँ पर कोई छोटा सा दुकान भी है,
यहाँ पर देखो ऊपर सा यहाँ पर मतलब थोड़ा सा टावर टाइप में है, तभी हम ये टावर के ऊपर है। उधर पूरा दार्जिलिंग दिख रहा है हमको, पूरा दार्जिलिंग दिख रहा है, पूरा दार्जिलिंग। और उधर पूरा बादल सब है नीचे नीचे, और हम लोग अभी दार्जिलिंग में है। अभी रिटर्न जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ड्राइवर को फ़ोन किया थे, मतलब कि ड्राइवर हम लोग को फ़ोन किए और बोले कि कहाँ है, तो हम लोग बोले कि इस जगह पर है, तो हम लोग बोल दिए, तो ड्राइवर हम लोग को लेने आ रहा है ड्राइवर। मतलब कभी भी आप बोलिए दार्जिलिंग, तो कभी भी ना रिग्रेट फील नहीं होगा कि मतलब दार्जिलिंग गए मज़ा नहीं आया या फिर कुछ ऐसे, कभी रिग्रेट फील नहीं होगा। हम लोग ये टाइगर हिल का सबसे टॉप में आ गए, मतलब कि टाइगर हिल जहाँ है हम लोग वहाँ पर आ गए हैं, और यहाँ से हमको एकदम सारे मतलब माउंटेन सब मतलब दूर में है, और सब बर्फ़ से ढका हुआ हमको सारा चीज़ दिख रहा है। और देखिएगा और देखिए सारा चीज़ दिख रहा है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएगा इस, यहाँ से ना माउंट एवरेस्ट दिखता है, थोड़ा सा बस दिखता है, थोड़ा सा यहाँ से माउंट एवरेस्ट दिखता है, और हम यहाँ से देख सकते हैं माउंट एवरेस्ट को, बस थोड़ा सा दिख रहा है, लेकिन पता नहीं हम जूम करेंगे तो दिखेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। और देखिए थोड़ा सा बस दिख रहा माउंट एवरेस्ट वो वाला हाँ, वही वाला जो गाइस दिख रहा ना, वही वाला है माउंट एवरेस्ट, बस थोड़ा सा दिख रहा है। यहाँ पर एक दूरबीन वाला भी है, दूरबीन वाला बोल रहा है कि यहाँ से सारा चीज़ दिखेगा, राहुल फोटो खींच लेना, वहाँ से सारा चीज़ दिखेगा बोल रहा है। गाइस अभी हम लोग बहुत सारा जगह घूम लिए, अब फिर अभी थक भी गए बहुत ज़्यादा, और भूख भी लग रहा हम लोग, मतलब कि वहाँ टाइगर हिल्स के बाद हम लोग इधर भी एक दो जगह घूमे, मतलब कि जगह नहीं था, बस छोटा छोटा चीज़ सब था कुछ रखा हुआ था, तो वो सब हम आप लोगों को सिनेमेटिक में दिखा देंगे। और फिलहाल तो जाना है बस। हेलो ये देखिए हम गाड़ी में कैसे बैठना पड़ रहा, पीछे से पिछवाड़ा तरफ से बैठना पड़ रहा। बैठ गया जू आ गए हैं, तो वैसे तो यहाँ पर आने का कोई प्लानिंग नहीं था, लेकिन फिर भी मन किया तो आ गए। यहाँ का जू सही में एकदम कमाल का है यहाँ, और अभी अभी जस्ट हम क्या देखे मालूम है, भालू ब्लैक बेयर वहाँ पर सोया हुआ है, गाइस आप लोगों को मस्त चीज़ दिखाना है। वैसे तो जू में बहुत सारा जानवर है, लेकिन ये चीज़ हमको दिखाना ही है, क्योंकि हम खुद लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये, आप लोग खुद देख रहे हैं। ये स्नो लेपर्ड है, लाइफ में हम ब्लैक पैंथर सिर्फ मूवी में देखे थे, लेकिन आज हम ब्लैक पैंथर को रियल में भी देख लिए। धारा एनिमल तो हम लोग देख ही लिए, जो जो खास था वो सब हम आप लोगों को दिखा दिए।
और बाकी सब तो ऐसे जस्ट नॉर्मली है, हर जू में देखने को मिल ही जाता है। हाँ और क्या ही दिखाते हैं बाकी आप लोग हम दोनों को देख सकते हैं, क्योंकि हम दोनों भी कोई जानवर से कम है नहीं। फिलहाल तो बहुत थक गया और अभी हम लोग रिटर्न जाने का प्लानिंग हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया, क्योंकि 3-4 दिन से अच्छा से सोए भी नहीं, नींद भी पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए बस अभी अब जाने का ही प्लानिंग है। कुछ दूर से बाहर आ गए हैं, अब कुछ नहीं करना है, अब मन कर रहा है कि डायरेक्ट बिस्तर में जाके खाली लेट हो जाए जैसे लग रहा है। इतना थक गया है ना, अब क्या ही बताया यार, बहुत मतलब बहुत टायर्ड फील हो रहा है और ऐसे भी तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब लग रहा है, इसीलिए ठीक नहीं लग रहा। अब ड्राइवर को हम लोग फ़ोन किए तो ड्राइवर बोले कि आ रहे, देखते हैं वो कितना देर तक में आ जाते हैं, फिर जैसे ही वो आएंगे हम लोग बैठ के डायरेक्ट होटल, फिर देखते हैं होटल जाने के बाद क्या प्लानिंग होता है। जाते हुए तो ठीक नहीं लग रहा है, हम लोग वहाँ से आए उसके बाद डायरेक्ट होटल आ गए जल्दी में, क्योंकि हम लोग का टाइम हो गया था। जाते हुए तो ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, और दार्जिलिंग को बहुत मिस करेंगे, ये रूम को बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, क्या ही बताएं। बाय 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 रूम बाय रूम बाय रूम। गाइस अभी हम लोग चलते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और ये हम लोग का लगेज ऊपर, मतलब कि हम लोग का लगेज सर जितना भी है सारा ऊपर रख देगा। और राहुल है भाई, कैसा लग रहा जाते हुए? दार्जिलिंग से सही में दिल लग गया गाइस, एकदम जाने का मन ही नहीं कर रहा। चॉकलेट खाओगे? कौन सा चॉकलेट? टेस्ट करो ना यार, इधर का लोकल ये चॉकलेट है भैया? चॉकलेट नहीं, ये छुर्पी बोलते हैं इसको। अच्छा, दूध से बनता है। टाइम पर सिलोड़ी पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच भैया। भैया अभी हम लोग को ये वाला चॉकलेट दिए, देखिए लोकल चॉकलेट है, थोड़ा सा यूनिक है, यूनिक बहुत यूनिक है, थोड़ा हाँ, है। थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज्यादा यूनिक है। आज तक टेस्ट किया भी नहीं होगा आप? नहीं नहीं सही, आज तक नहीं किया। डिजाइन भी थोड़ा मस्त है, छुट्टी बोलती है छुट्टी। सिलीगुड़ी में उतर गए, अभी यहाँ से स्टेशन जा रहे हैं। ये वाले भैया गाइस हम लोग का बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग का जेनुअनली एकदम दिल से हम लोग का हेल्प किया और बोले कि इसके बाद कभी भी आओगे। सही में हमको दिल से बहुत अच्छा लगा यार। और अभी हम लोग क्या बोलते हैं जलपाईगुड़ी जंक्शन में हम लोग, ये जलपाईगुड़ी स्टेशन में हम लोग उतर गए, फिर अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं गाइस टिकट काउंटर, फिर वहाँ से टिकट करेंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे गाइस। शायद से हम और आगे तक ब्लॉग नहीं बना पाएंगे शायद गाइस, क्योंकि मेरा फ़ोन में बैटरी सिर्फ 6% है, तो कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है मेरा फ़ोन। देखते हैं जितना देर चल रहा है, उसके बाद